सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास ना तोड़े, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव से कम नहीं। सौभाग्य को यदि ढूंढना है तो वह परिश्रम के साथ खड़ा नजर आएगा। आज का पंचांग 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि रात्रि 1:57 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 8:13 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:11 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मेष राशि पर ही रहेंगे। धनुराशि 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, अभी आपको किसी नौकरी प्रशिक्षक या कार्य के दायित्व का मौका मिल सकता है। अगर स्वास्थ्य उधार आपको परेशान कर रहे हैं तो फोन, ईमेल, टेक्स्ट या व्यक्तिगत रूप से करीबी लोगों के साथ बातचीत करें। परिवार की सलाह पर ध्यान दें। इन कठिनाइयों के बाद आपको नए अवसर मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि आज आप पार्टी के मूड में हैं। आपके आसपास का माहौल जीवंत और खुशनुमा है। प्यार, जुनून और उत्साह आज के दिन को परिभाषित करने के लिए काफी है। पूरी तरह से इस स्थिति का मजा लें। रिश्तेदारी से संबंधित चल रहे विवाद आपकी मध्यस्थता से हल हो सकते हैं। आपकी योग्यता और सूझबूझ की चर्चा भी रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपके हक में हो सकता है। परिवार से संबंधित जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें वरना काम का बोझ तो बढ़ेगा, साथ में आपकी कार्य क्षमता भी कम हो सकती है। आप भले ही किसी निर्णय को अमल में लाने की कोशिश न कर रहे हैं लेकिन यह निर्णय अन्य लोगों के लिए भी उतना ही सही लगता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर व्यापार की शुरुआत की जा सकती है और यह शुरुआत लाभदायक साबित होगी। पार्टनर आपके साथ एकांत में वक्त बिताने के लिए प्रयत्न करेंगे। कंधे में जकड़न महसूस हो सकती है। सावधानियां, इस समय व्यावसायिक अथवा व्यक्तिगत संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर लें। कहीं भी हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आपसे कोई भूल हो सकती है या कोई आपसे चीटिंग भी कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना और अपने भविष्य के निर्णय लेने से सुखद आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए साथ में किसी छोटी यात्रा पर जाना आपको अद्भुत महसूस कराएगा। संगीत, नृत्य या कला से आप अपने जीवन को दिलचस्प बना सकते हैं। अब वक्त आ गया है पार्टी करने का। आज जरा समय उल्लास और आनंद से भरा है। आपका प्यार और लालसा किसी खास के लिए आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेंगे। आप पूरे जोश में हैं और अपने साथी के साथ नजदीकी का आनंद ले रहे हैं। कामुकता विपरीत लिंग को आकर्षित करने का एक तरीका है। बात करते हैं करियर की। आज नए संपर्क बनाएं क्योंकि यह समय संचार के लिए अच्छा है। अभी आपका जीवन व्यस्त रहेगा और अपने जीवन साथी या छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताना मुश्किल होगा। अतिरिक्त जिम्मेदारियों, छोटी यात्राओं, प्रचार, संचार और पत्र लिखना आदि कार्यों का सामना करना पड़ सकता है। आज का समय आपके लिए शानदार प्रतीत होता है। इस जीवंत परिवेश में आप बेहद खुश हैं। प्यार, लालसा और उत्साह, इन तीनों को अपने दिमाग में रखें। खुद के प्रति ईमानदार रहें और हर काम को पूरे दिल व दिमाग से करें। खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करें। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा। बात करते हैं सेहत की। लापरवाही तथा व्यवस्थित दिनचर्या की वजह से पेट खराब रह सकता है। अपनी अनावश्यक इच्छाओं पर भी कंट्रोल करना आवश्यक है।
कंधे में जकड़न भी महसूस हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।